आईन को मोड़ी मकोचि बिल्किस बानो दुष्कर्मकारी एवं तांको परिवार रो हत्याकारी को करा जायछि मुक्ति जहाँ उभय गुजरात एवं केन्द्र सरकार को घेरी विरोधी क्यों परिस्थिति रे एवं काहीकि आईन को भुआ बुलाई दोषी को मुक्त करागला बोली प्रश्न करिछि कांग्रेस। उभय केन्द्र एवं गुजरात सरकार मुह खोलिबा पई दल आह्वान देछि। तेबे केमिति थिला अतीतर पूरा घटना एवं क्यों परिस्थिति रे जघन्य अपराधी को जेल रु मिलिछि मुक्ति आसंतु देखिबा। बेकरे फुलहार पड़ा ए चर्चित चेहरा मान देखत गुजरात विभिन्न स्थान में चर्चित व्यक्तित्व मानू स्वागत संवर्धना दुई दिन तले अर्थात स्वाधीनता दिवस जेल्रु मुक्त होती से जेल फाटक सामनारा उच्छ्वसित स्वागत संवर्धना मथार चंदन टीपा लगे मीठा खुआई एम को स्वागत करते आशेष व्यक्तित्व तेबे किए माने 2002 गोथा परवर्ती हिंसाकांड को नहीं चर्चा को आसीथिले एही 11 जण बिल्किस बानो गणदुष्कर्म और तांको परिवार रो 7 जण को हत्या करिबा अभियोग रे दोषी सब्यस्त होई एमाने आजीवन सजा भुगुथले। किंतु गुजरात सरकार को क्षमादान नीति अनुजाई 76 तम स्वाधीनता दिवस रे एमानको करा जायछि मुक्त जहां को नहीं गुजरात और केन्द्र सरकार को घेरी छंती विरोधी। प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप इस बारे में ना सिर्फ बात करें बट इनको थोड़ा मजबूती से आप काम भी करें। हम ये चाहते हैं बिल्किस बानो की रेपिस्ट को रिहा करने वाली बात। पहली बात तो इस बात पे आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, इंटरफियर करना चाहिए और जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑर्डर है उसको रिवर्स करना चाहिए, उसको रिसाइंड करना चाहिए, क्योंकि एक गलत है, एक गलत संदेश हम दे रहे हैं इस देश को कि जो आदमी ने जिस आदमी ने रेप किया वो बाहर आता है। बिल्किस बानो गणदुष्कर्म एवं तांको परिवार रो 7 जण को हत्या घटनार तदंत सीबीआई करथिला आ केंद्रीय तदंत संस्थार चार्जशीट आधार रे मुंबई स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट 2008 जनवरी 21 रे एमानन को आजीवन सजा सुनाइथिले जहां को परवर्ती मुहूर्त रे बॉम्बे हाई कोर्ट कायम रखिथिले मध्य पूरा घटनार एक वैषयिक दिग रहुछि। जदि कौनसी केंद्रीय तदंत संस्थार तदंत आधार रे कौनसी घटना रे केही दोषी सब्यस्त होइछंती तेबे सेमानंकर मुक्ति नै केवल राज्य सरकार निष्पत्ति नै पारिबे नाही। एथिपई संप्रुक्त राज्य सरकार को केंद्र सरकार को अनुमति नेबाकु पड़िबो। तेणु बिल्किस बानो गणदुष्कर्म और तांको परिवार रो 7 जण को हत्या मामलार दोषी को मुक्त करबाकु आईन को मोड़ी मकोची दिया जायथिबा कांग्रेस अभियोग करिछि। हम प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री दोनों से, दोनों गुजरात के हैं, यह जानना चाहते हैं क्या गुजरात की आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपसे यानी कि प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से अनुमति ली थी इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को क्षमादान देने के लिए और रिहाई करने के लिए? अगर दी थी तो साझा करिए, सार्वजनिक करिए ताकि लोगों को आपके खोखले शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए जो आपने लाल किले की प्राचीर से बोले थे, नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा। और अगर नहीं दी थी तो हम यह जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस गैर कानूनी काम को अंजाम देने के आरोप पर। गुजरात सरकार को मध्य प्रश्न बाण रे घेरी कांग्रेस। सवाल गुजरात के मुख्यमंत्री से भी है। जो जेल एडवाइजरी कमिटी है उसके सदस्य कौन कौन है जिन्होंने सबसे पहले यह अनुशंसा की थी कि इन 11 हत्यारों और 11 बलात्कारियों को क्षमादान मिले, इनकी रिहाई हो? जेल एडवाइजरी कमिटी के सदस्य कौन कौन है, उनकी अनुशंसा कब आई थी और क्या थी? एक और सवाल हम गुजरात के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, गुजरात सरकार से पूछना चाहते हैं कि 8 मई 2013 को जब 1992 की नीति वापस लेने का शासनादेश आया था, क्या यह शासनादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया? अगर लाया गया तो सार्वजनिक करिए और नहीं लाया गया तो आपके खिलाफ फिर एक और कार्रवाई बनती है। 2002 गोधरा परवर्ती दंगा बेले बिल्किस बानो और तांको परिवार आक्रोश शिकार होइथिले।
ଭୟରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ 20-30 ଜଣ ହିଂସାକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲରେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖସିପାରି ନଥିଲେ। ହିଂସାକାରୀମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ବିଲକିସ୍ ବାନୋ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 6 ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହାଣି ମାରିଦେବା ପରେ 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ବିଲକିସ୍ ବାନୋଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ହିଂସାକାରୀ ଏତେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବିଲକିସ୍ ବାନୋଙ୍କ 3 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲା। 2004 ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାକ୍ଷୀ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଗୁଜରାଟ ବାହାରେ କରାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବିଲକିସ୍ ବାନୋ। ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇ 11 ଜଣଙ୍କୁ ସଜା ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ସଜା ଭୋଗିଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦୋଷୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଶାହା ପ୍ରଥମେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ଉପରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହି ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 2002 के साबरमती ट्रेन कांड के बाद हुई कम्युनल रायट के केस में मुंबई सेशंस कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मैंने जेल में 18 साल का समय बिताया है। उसके बाद मैंने रिलीज के लिए नामदार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की थी। नामदार सुप्रीम कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन के बारे में गुजरात सरकार को डायरेक्शन देते हुए रिलीज के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा था। कल 15 अगस्त के दिन मुझे गुजरात सरकार के ऑर्डर के मुताबिक जेल में से रिलीज किया गया है। आज मैं अपने परिवार के साथ मिला हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ବିଲକିସ୍ ବାନୋଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ସହ ଘର ଏବଂ ଚାକିରି ଦେବାକୁ 2019 ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 7 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମାଦାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚମହଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।